हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आपने रात को देखा था कि हम शिमला पहुंच गए थे, तो बस अब हम शिमला से निकल रहे हैं शिमला घूमने के लिए। फिलहाल तो हमारे सारे कैंडिडेट तैयार हैं। पहले हम शिमला घूमेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि हम कहाँ जाएंगे। और चलो फिर आपको घुमाते हैं रिज और जाखू टेम्पल। कहाँ घुमाएंगे? तो जी, हम कुछ लोग चले पैदल क्योंकि यहाँ बहुत कड़ी चढ़ाई, फिर लोड ज़्यादा हो जाएगा, चढ़ेगी नहीं। देखो बहुत कड़ी चढ़ाई है ऊपर, ओ ऊपर जाना है हमने भी। ये देखो चले गए कुछ आगे, मैं चली हूँ चीकू को चक के, क्योंकि ये पैदल नहीं चलता बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्या, और किसी के पास भी नहीं जाता। फिर आज की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो टाइम हो रहा है 12:30 बजे, हम बहुत लेट निकले हैं यहाँ से। और देखो आ रहे नीचे से गाड़ी लेके। पापा, निकल गए, हमारी कान्हा जी भी चले घूमी घूमी। तो निकल पड़े हम जाखू के लिए। पहले हम जाएंगे जाखू, उसके बाद करेंगे हम लंच ब्रंच साथ। जी ये है जाखू जाने का रास्ता, जाखू मंदिर 2 किलोमीटर है यहाँ से। खूब चढ़ाई, कुछ कुछ कैंडिडेटों को शायद पैदल चल पड़ सकते हैं। यहाँ लग रही है गाड़ी और पहुंच गए हम जाखू टेम्पल। तो अभी ये यहाँ नया लगाया है एक्सीलेटर, इसमें से जाएंगे हम। तो जी ये नया नया सुंदर 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 बना है यहाँ पे, भीड़। जय हनुमान की। अगर किसी ने पैदल आना हो रिज से, तो ये रास्ता है रिज से पैदल के लिए। गैबी, मेरी भी उनसे भी नहीं चढ़ा जा रहा, थक रहे हैं। मंकी आ गए, पानी पीने को प्यास लग रही है। चिकू मंकी, ये देखो कैसे लड़ रहे दोनों, ये देखो कैसे लड़ रहे हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं हनुमान जी के बिल्कुल नजदीक।
जय हनुमान जी। मंदिर में लाइन, भीड़, मेन एंट्रेंस चाकू मंदिर, उसी हम दर्शन करके बैठ गए हैं बाहर। अभी हम उनका वेट कर रहे हैं, वो अंदर ही है, अभी निकलेंगे वो बाहर। तो बाकी हम सब खड़े हो गए हैं बाहर वेट कर रहे हैं। बाबा आ गए। नो नो नो। कैसा लगा चाकू मंदिर? गया भी कैसा लगा बोल के बता दे। अच्छा। मासी कैसा रहा जाकू मंदिर? बहुत अच्छा। अच्छा ना। तो देखो उधर वो छुप रहा है अपनी मम्मी के पीछे कि मेरे से ना पूछ लेगा। ये देखो मौसम, देखो कितने बादल बादल हो रहे हैं यहाँ। तो जी दर्शन करके हम लोग चले वापस। अब कहाँ जा रहे हैं? हम पाल लगे माल रोड। हम जा रहे हैं माल रोड। देखना है माल रोड। मोनिका का पापा। हम लोग पहुंच गए हैं संजौली, और संजौली में है ट्रैफिक जाम जो हमेशा का यहाँ का रहता है। आगे पार्किंग में फुल होने वाला है। तो ये है ढली की न्यू टनल। सबसे जाना है इसर से ऊपर से ऊपर वाली बना रही है। ऊपर वाली बना रही। अंकुर रुक जा से वीडियो बना रहे। ऐसे तो निकल कर ओल्ड टनल टू न्यू टनल। हम ओल्ड टनल टू न्यू टनल घूमेंगे अभी। मैं बोल के टनल नहीं राउंड अप करने जा रहा। वाओ कने गाला गड्डने अभी नंबर 12 है। घूमे जा रहे घूमे जा रहे। हम पहुंचने वाले हैं अटल टनल। राइट साइड वाले तभी तो फिलहाल ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इंश्योरेंस और ऊपर रखे। धन्यवाद शिमला में आपने घुमा फिरा उसके लिए धन्यवाद। शिमला का धाम नगरी और इस जाम में फंसाने के लिए धन्यवाद। इसको पकड़ा रोटी खाने वाले रास्ते निकल रहे हैं। ये देखो जी रश है। जी हम पहुंच गए कुफरी रामपुर रह गए 114। मोनिका तो ले लेना कि मौसम क्या सुहाना हुआ है। ठंड ठंड हवा एडवेंचर की हमने कुछ करना। तो कुछ कैंडिडेट हमारे लोटपोट हो चुके हैं पीछे। ये देखो होने वाले हैं। कुछ तो अपना मुंह छुपा रहे हैं और कुछ तो हो भी गए हैं मुंह खोल के। यहाँ पे नींद आ रही है पर हम सोने भी दे रहे हैं। और हम नहीं गए माल रोड, मालपुर जाएंगे हम वापसी में आते आते।
फिलहाल हम निकल गए हैं रामपुर के लिए, रिकांगपियो के लिए। जब भी पहुंचेंगे आपको दिखाते रहेंगे अपना सफर, सुंदर सुंदर वादियाँ। हम पहुंच गए हैं ट्योक और अब यहाँ से बड़ा दूर है जहाँ तक हमने जाना है। हम लोग रुके हैं अभी लंच करने के लिए ठियोग में, तो फिलहाल सब तो ऑर्डर दे रहे, बहुत भूख लगी है। हमारा टेस्टी टेस्टी खाना, भिंडी चावल कड़ी, बहुत टेस्टी खाना है। तो जी हो गया हमारा लंच, अब हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर जहाँ हमने आगे जाना है। ये है ठियोग। तो जी चले हम रामपुर के लिए। दो चीजें लेंगे ना, ये सारे सेब के बगीचे है जो लोग वाइट वाइट है सारे। हवा इतनी अच्छी चल रही है यहाँ, हर कुछ। फ्रेश टू फार्म चेरी। ये देखो मोनिका ने वीडियो बनाई, फिर देखो फ्रेश फ्रेश चेरी। यहाँ पे इन्होंने पहरेदार भी रखे, इनको नहीं तोड़ सकते। लीची नहीं है बेटा, चेरी है। चेरी चेरी है। ये देखो चोट हुए, मैं तोड़नी नहीं। यहाँ पे हम चोरी करने आए हैं। चलाओ मासी, आओ 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 फटाफट अगला। वाओ वो कितना बड़ा डॉगी भी है यहाँ रखा हुआ। लियो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ चेरी है, बहुत ही अच्छी है। अभी हम नीचे से बॉक्स ले रहे हैं, ये तोड़ने के लिए तो मना थी तो हमने एक भी नहीं तोड़ी, हमने रूल फॉलो किया। तो अब आपको दिखाएंगे नीचे जाके, बहुत सुंदर। ये देखो टूटी हुई, ये वाली लेने की पॉलिश की। देखो पर उपाय की पूरा डब्बा लेकर चलो, आ जाओ डब्बा ले। चलो फिर चले। तो जी टेस्ट करके बताएं कैसी है चेरी। बहुत टेस्टी, मिट्टी चेरी। चेरी कैसी है? मिट्टी। तो जी पहुंच गए हम नारकंडा, अब हम यहाँ से जाएंगे। ये देखो अभी भी 166 है यहाँ से रिकांगपियो। क्या मस्त है ये देखो, सुंदर सुंदर रास्ते। मतलब इतना दिल खुश हो रहा है ना यहाँ पे। वेरी ब्यूटीफुल। रास्ते में हुआ है एक्सीडेंट, और यहाँ के ये देखो ये सारे हैं सेब के बगीचे, ये बर्फ जैसे ढके हैं ना मामा। हाँ वो बल्फ है मम्मा, बल्फ आर्टिफिशियल बल्फ। ये है नजदीक। तो जी हम रामपुर पहुंचने वाले हैं, 30 किलोमीटर रह गया रामपुर। यहाँ देखो कैसे कैसे पहाड़ है, अब तो खाने खाने पहाड़ हो गए। देखो साथ ही सतलुज
दिखा दिया ठीक है। देखो पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़। ये है रामपुर। हाँ रामपुर है ये, रामपुर। यार रुके हम रेस्ट करने के लिए रामपुर में। मम वो देखो कितना अच्छा मम है। सोलन की गाड़ी है, निर्मंड स्नान कल्पा 115 है अभी। तापो बड़ी कैंट जगह कहते तापो। आ गया बस हम लोग पहुंच गए हैं मेन रामपुर। चाहिए है इसमें हनुमान जी का मंदिर। चलो जय करने। ये है रामपुर सिटी। तो अब यहाँ से थोड़ी जय वह करके अब हम चले आके रिकॉन्कियो की तरफ। और चीकू चला, देखो चीकू कहाँ घुस गया, कहाँ घुस गया, शेर के पास चला गया। तो हमारे बच्चे दोनों हैंडू जोड़ के खड़े हो गए भगवान जी के आशीर्वाद लेने के लिए। हम लोग पहुंच गए ज्योरी। कितना सुंदर लग रहा है पहाड़, पहाड़ पे गए। हम पहुंचेंगे पता नहीं कहाँ। तो गाइस यहाँ तो लग गई है बारिश और हम ले रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं के मजे। देखो बारिश, ये देखो हम हो गए हैं किन्नौर के रोड पे एंटर। शीशा साफ करो। चलो जी चलो किन्नौर में, किन्नौर का द्वार। ये देखो जी हम अपनी मंजिल के करीब आते होते 53 रह गया। और वो यार ऊपर है जिन्होंने को हम देख रात गाना तो क्या हमारे को रूम नहीं मिल रहा यहाँ। तो जी हमने क्रॉस कर लिया है किन्नौर का बॉर्डर। तो आगे हो गया है बहुत ज़्यादा अंधेरा। तो अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे, देख रहे हैं रूम मिलता है कि क्या होता है। तो ब्लॉग एंड ही करते हैं, कल ब्लॉग ज़रूर देखना। कल का ब्लॉग और भी अच्छा होगा किन्नौर का ब्लॉग। तो ब्लॉग ज़रूर देखना। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।